हीरो उसमें ना दो बार बाएं घुमाता है, दो बार दाएं घुमाता है, तो दरवाजा खुल जाता है। जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई आंटी। कमरे में फंस गए हैं, दरवाजा बंद है, कहीं बाहर नहीं निकल सकते। हमारी ओर से छोटा सा तोहफा। शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना न भूलें। किस्मत की लकीरों से। आंटी जी, आज मेरी जिंदगी का सबसे खास दिन है। मुझे मेरी कमाई का पहला चेक मिला है। आपने जो मुझे पैसे दिए थे, ये उसकी पहली किश्त है। शरदा, हाँ? एक और चीज है। क्या? ये तो बहुत ही खूबसूरत है। इसके बारे में मम्मी को पता नहीं चलना चाहिए। सॉरी, आपके शर्ट पे तो दाग लग जाएगा। आप कमरे में चलिए और शर्ट चेंज कर लीजिए, मैं आपके लिए दूसरी शर्ट निकाल देती हूँ। अरे आराम से, वो गलती से हुआ। एक बार चेक कर लीजिए, कहीं जोर से दरवाजा बंद करने से दरवाजा कहीं अटक तो नहीं गया। क्यों? कि ये हमारे साथ एक बार हो चुका है। एक बार कीति ने जोर से धक्का मार के दरवाजा बंद किया था और दरवाजा अटक गया, खुला ही नहीं, और पूरी रात हम कमरे में ही फंसे रह गए थे। एक बार चेक कर लीजिए। तुमसे ये जरा सा दरवाजा नहीं खुला? चिंता मत करो, मैं हूं ना, देखो कुछ नहीं अटकेगा। सो रहे? ये तो बंद हो गया। हमने इतनी तैयारी करी है, सब वेस्ट हो जाएंगी। मतलब अब हम यहाँ से बाहर नहीं निकल सकते? हम फंस गए कमरे में। वो मैंने ना पिक्चरों में देखा था, वो हीरो उसमें ना दो बार बाएं घुमाता है, दो बार दाएं घुमाता है, तो दरवाजा खुल जाता है। मैंने तो उसके साथ सारी कबड्डी कर ली, टच से मस भी नहीं हो रहा है। तुम क्या दांत दिखा रही हो? वैसे भी ये दरवाजा तुम्हारी ये हल्की सी पिन से नहीं खुलने वाला। अब एक ही रास्ता है। कौन सा? आखिरी रास्ता। आज रात यही निकालनी पड़ेगी, मम्मी को सरप्राइज भी नहीं दे पाऊंगा। और ये मेरा फोन, इतना भी दम नहीं बचा कि पूरी रात निकाल पाए। चार्जर भी नहीं आया, ये सब कुछ आज ही होना था। Thank you.
मम्मी जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई हो। चलो किसी को तो याद रहा। जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई हो आंटी। थैंक यू बेटा। और मेरी प्यारी सी मम्मी के लिए एक प्यारा सा कार्ड देखो। अच्छा पर आप यहाँ क्या कर रहे हो? पापा आपको कब से ऊपर रूम में बुला रहे हैं? तुम चलो बेटा, हम आ ही रहे हैं बस। हाँ वैसे आंटी जी, हर साल की तरह इस साल 12 बजे आपको जन्मदिन की बधाई देने के लिए अभय साथ नहीं है ना? उठा रहा है। अबे आप कम से कम फोन तो उठा लीजिए ना मम्मी जी का, उनको जन्मदिन पर कम से कम बधाई तो दे दीजिए, वो आपका इंतजार कर रही होंगी। नहीं, इस बार तो मैं उनको मिलके वो हार पहनाते हुए उन्हें बधाई दूंगा। लेकिन अभी हम क्या कर सकते हैं? कमरे में फंस गए हैं, दरवाजा बंद है, कहीं बाहर नहीं निकल सकते। कम से कम ऐसे में अगर आप उन्हें फोन पर बोल देंगे तो वो इतना बुरा नहीं मानेंगी। अरे नहीं नहीं, बोला था इसकी बैटरी जाने वाली है। किस्मत की लकीरों से, किस्मत की लकीरों से, किस्मत की लकीरों से। अरे बिजली भी आ गई और दरवाजा ऐसे खुला है, कुछ चोर चपट और डाकू खूनी तो नहीं आ गया घर में? कोई नहीं है, कोई नहीं है घर में। आवाज ये तो अभय के कमरे से आ रही है शायद। इस वक्त जाकर देख, लगता है आपकी अलमारी भी यही चाहती है कि इसमें सारा सामान सलीके से रखा जाए। वो आप में ये हुनर भी है? ये कहाँ से मिल गए तुम्हें? ये वापस दे दो मुझे। ये इतने सुंदर स्केचेस
ये आपने बनाया है? आप तो कलाकार निकले, ये तो बहुत सुंदर है। चदा ये तो मैं बचपन में बनाता था, इतना अच्छा भी नहीं है, लाओ मुझे वापस लौटा दो। मतलब ये सब कुछ आपने बनाया है? क्या बात है अबे, आप तो सचमुच कलाकार निकले, कितने सुंदर है। क्या फायदा ऐसी कलाकार, जिसके लिए बनाया था वही अपना नहीं रहा। लेकिन सचमुच ये बहुत ही सुंदर है। शदा तू मुझे वापस लौटा दे। अरे अरे वो फट जाएंगे शदा। अरे नहीं प्लीज, अरे मुझे शदा शदा अबे क्या कर रहा है, लौटा दो ना। मत करो अबे, फट जाएगा। अरे अरे फट। देखा नहीं है जग में तुम जैसा कहीं, सौ जन्म भी कम पड़े देखो तुझे जो यूं ही। जन्मदिन पर उनके बेटे और बहू का रोमांस तोहफे में देंगे। चिपकलिए उधर, उधर चिपकलिए, उधर चिपकलिए। सदा सदा मुझे बचाओ। चिपकली बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। श्रद्धा 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 प्लीज मुझे बचाओ उसे। श्रद्धा ये मेरे को खा जाएगी। श्रद्धा श्रद्धा प्लीज बचाओ मेरे को, मैं नहीं देख सकता। उसे उसे वहां से निकालो प्लीज, उसे निकालो वहां से। आपको शिवकली से डर लगता है? वो कितनी बड़ी है, वो खा जाएगी मुझे। वो उसे उसे निकालो ना तुम यार, कुछ करो यार, कुछ करो यार। कुछ नहीं करेगी। आंटी जी कहां खो गई आप? वैसे खो तो आपका बेटा अभय गया श्रद्धा के प्यार में। देखिए ना, आपका जन्मदिन ही भूल गया, और शायद आपको भी। तनुजा भाभी जन्मदिन की बहुत सारी बधाई। हमारी ओर से छोटा सा तोहफा आपके लिए। लो आ गया हमारे बेटे का मैसेज। जन्मदिन की ढेर सारी बधाई भाभी, ये रहा आपके लिए तोहफा। आया क्या अभय का मैसेज? अरे तुम चुप रहो, और इतनी रात हो गई है, तुम लोग दोनों यहाँ क्या कर रही हो? जाओ अपने कमरे में, यही सही रहेगा। जाओ फटाफट। यश्वी जी, यश्वी जी जल्दी बाहर आइए। अरे हम कब से आपको बुला रहे हैं, आपका आवाज नहीं आ रही है हमारी। क्या हुआ तनुजा जी, आप इतनी गुस्से में क्यों हैं? क्या हुआ? अरे आप पहले हमको ये बताइए कि आपकी लाडली है कहाँ? कीर्ति ने फिर कुछ कर दिया, क्या हुआ बताइए हमें। अरे पहले आप हमें ये बताइए कि आपकी श्रद्धा आपको बता के गई थी कि इतने रात में वो कहाँ जा रही है? श्रद्धा? नहीं बताया ना, तो फिर फोन करिए और पूछिए उसे कि कहाँ है वो। जी मैं पूछती हूँ, लगाइए।
number you have called is currently switched off. नहीं उठा रही है ना आपका फोन? अरे वो आपका फोन क्या, किसी का भी फोन नहीं उठाएगी जब वो ये सब करने में लगी हुई है। हम दिखाते हैं, ये लीजिए देखिए। देखो कितनी भयानक है, वो मुझे घूर रही है, वो मेरी आत्मा में घुस गया, मुझे मार देगी वो, प्लीज मुझे आना। मेरे को वो चिपकली आपको घूर रही है, तुम जाओ ना प्लीज, चला कुछ करो ना, कुछ करो प्लीज प्लीज, चला उसे बाहर निकालो। अरे अबे आपको चिपकली से डर लगता है? वो निकालो ना प्लीज श्रद्धा प्लीज। अरे अरे अबे वो आपके पास ही आ गई। आपको पता था ना ये सब के बारे में? नहीं तनुजा जी, हमें झूठ। हमारे जन्मदिन में आपकी बेटी हमें अपने बेटे से ही दूर कर दी, वो भी ये सब के लिए। अरे हमारे जन्मदिन पे हमसे इन दोनों ने झूठ बोला कि ये काम से बाहर गए हैं, ना फोन किया ना फोन उठाया। हे भगवान, हमने कभी अपनी जिंदगी में भी नहीं सोचा था कि हमारा बेटा हमारा ही दिल तोड़ देगा। माता रानी, इससे अच्छा था कि आप हमें अपने पास ही बुला लेती। नहीं तनुजा जी। अब अपनी ममता की बेइज्जती और नहीं देख सकते हम। हे भगवान, अब तो यही मर जाए तो अच्छा है। अरे नहीं नहीं तनुजा जी, आप ऐसी बात ना। अरे आप तो चुप ही रहिए। अरे भाभी जी, भाभी जी क्या हुआ? क्या हुआ तनुजा जी, आप रो क्यों रही हैं? देखिए ना अनु जी, हमारा बेटा अब हमसे झूठ बोलना सीख गया है। ना उसने जन्मदिन की बधाई दी हमें, उल्टा श्रद्धा के साथ घर पे है और कह रहा है कि बाहर काम पे गया है। हमें तो विश्वास ही नहीं हो रहा कि हमारा अब इतना बदल गया है। भगवान, कोई बात नहीं, कुछ काम कर रहे होंगे, रात भी बहुत हो गई है, देर हो गई है, चलिए आई आराम कीजिए। हाँ सक्षम जी, कुछ बहुत गलत होने वाला है। इतना ज्यादा मत सोचिए, श्रद्धा और अभय पति पत्नी है, अपने ही घर में है, कुछ तैयारी वगैरह कर रहे होंगे, नहीं बताना चाहते हैं वो लोग। कम से कम आपको अपनी बेटी पे भरोसा होना चाहिए। हाँ मैं समझती हूँ, पर जिस तरह से तनुजा जी को देखा, उन्हें इस बात की बहुत चोट पहुंची है, बहुत डर लग रहा है। कुछ नहीं होगा, देखना कल सुबह को आएंगे, सब कुछ बिल्कुल ठीक होगा। आप सोच सोच कर अपनी तबीयत खराब मत कीजिए, मैं आपके लिए पानी लेकर आता हूं। ये कह तो ठीक रहे हैं, पर तनुजा जी को बहुत बुरा लगा है, कहीं इस बात का बतंगड़ ना बनाए। हे माता रानी, श्रद्धा और अभी की रक्षा करना। अबे आपको सचमुच छिपकली से डर लगता है? तुम्हें तो मेरी रक्षा करनी चाहिए, वहां खड़ी होकर मेरे पे हंस रही हो। रक्षा? उल्टा उस बेचारी छिपकली को रक्षा करने की जरूरत है, देखिए ना कितनी छोटी सी तो है वो। छोटी है वो? तुम्हें ना मुझे लगा डॉक्टर के पास लेके जाना, पर तुम्हारी आंखें टेस्ट करवानी पड़ेंगी, चश्मा लगा के देखो कितनी बड़ी छिपकली है वो। मुझे तो ऐसे घूर रही है भयानक तरीके से, लग रहा है मेरे अंदर घुस के मुझे मार ही डालेगी। उसे हटाओ ना प्लीज।
वैसे अभय, फिर तो आपको तुम दबा के भाग जाना चाहिए। क्या क्यों? क्योंकि देखिए ना, वो छिपकली तो अब आपके सर के ऊपर आके बैठ गई है। क्या? मेरे को बचाओ, कहाँ है? अरे, उस छिपकली को आपसे प्यार हो गया क्या? वो देखिए आपके पीछे पीछे। अरे यार, ये मेरी जान के पीछे पड़ी है। अरे चलो, मेरे को बचाना प्लीज। कहाँ है? अब शायद उधर गई। वैसे ये छिपकली भाग ही नहीं रही है, बार बार कहीं ना कहीं जाके छुप जा रही है। मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता हूँ, प्लीज उसको निकालो ना यार, मेरे को डर लग रहा है यार। पता नहीं वापस से कहीं छुप गई है, फिर से निकल जाएगी और आपके ऊपर शायद चढ़ जाएगी। हाँ वैसे अब है, मुझे ना सचमुच यकीन नहीं हो रहा कि आपको छिपकली से डर लगता है। मतलब अभय त्रिपाठी छिपकली से डरता है? वैसे तो हमेशा ही आपके नाक के ऊपर गुस्सा चढ़ा रहता है, और आप देखिए आप छिपकली से डर गए। क्या हुआ, आप ऐसे क्या देख रहे हैं? वो पहली बार तुम्हें ऐसे खुल के हंसते देखा है। कहाँ छुपा के रखा था इस श्रद्धा को? वैसे ये कपड़ा याद है? तुम्हें बिल्कुल भी शर्म नहीं आई अपनी छोटी बहन से भीख में ये गिफ्ट लेते हुए? वैसे उस दिन तो आपने मुझे बहुत डांटा था, और आज आपको हंसी आ रही है। हम भी ना पहले कितनी छोटी छोटी बातों पर लड़ पड़ते थे ना। वैसे मुझे तो ये बात हमेशा से पता थी कि आपका ये गुस्सा ना हमेशा आपकी नाक पे जमा रहता है। अच्छा जी, अपनी छोटी बहन को समझाओ ना कि वो मुझसे लड़ा ना करे। वो और उसका वो टॉक टॉक वीडियो। अरे तुमने उसकी वीडियोस देखी है? अभी बताता हूँ। देखिए दोस्तों, ये हम हैं और ये हमारा ससुराल है, और हमारी सासू मां ने ना हमें हलवा बनाने के लिए कहा है। आप हलवे का जलवा देखेंगी, ये देखिए। आपको पता मेरा ना हाथ भी जल गया आज, और दिल भी। आप ना हमारी वीडियोस ना ऐसे ही देखते रहना, कमेंट जरूर करना। ओके, ओहो देखिए ना दोस्तों, ये जलने का निशान इन सुंदर सुंदर नाखूनों की कलाकारी कैसे खराब कर रहा है। पर कोई बात नहीं, मैं इस पे लेप लगा के सारे दाग छुपा लूंगी, किसी को भी पता नहीं चलेगा। और फिर आपको रोज नए नए डांसिंग वीडियोस देखने को मिलेंगे। बाय बाय। अरे अभय, अभी हमें ये सोचना चाहिए कि हम इस कमरे से बाहर कैसे निकलेंगे। सोचना क्या है, सुबह तक का इंतजार करना पड़ेगा। ठीक है, आप सोने की तैयारी कीजिए, मैं आपके लिए दूसरी शर्ट निकाल देती हूँ, आप फ्रेश हो जाइए। काश इस हसीन रात की सुबह ना हो। तुम्हें सच में कोई काम था या सिर्फ घूमने आई हो? देखो वो श्रद्धा है क्या? क्या बकवास कर रही हो, श्रद्धा अभी दफ्तर में होगी। हाँ वो मुझे भी यही लगा, वो कोई और होगा। मुझे नहीं पता था कि इसको ऑफिस इतना अच्छा है।